ओम शांति। आज का प्रश्न है कि पति कितने जन्म तक एक बार पति बनने के बाद पति बनता ही रहता है, या पत्नी पत्नी बनती ही रहती है। कुछ लोग कहते हैं एक बार शादी हो गई तो 7 जन्म के लिए फिक्स। कुछ लोग इसके लिए ही व्रत उपवास आदि रखते, विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते कि यही पति हर जन्म में मिले या यही पत्नी हर जन्म में मिले। प्रेयर करते, दुआ करते, ऐसे नरक वाले वातावरण में भी मैं देखता हूं जिनके द्वारा घर नरक बना हुआ है, ऐसे पति या पत्नी के लिए या ऐसे पति या पत्नी भी हर जन्म में मुझे यही पति मिले, यही पत्नी मिले, कुछ विधियां करते रहते। परमात्मा से दुआ या प्रार्थना भी उस विशेष दिन मानते रहते। परंतु आज हमें ये सत्य समझना है कि आखिर इसके पीछे सत्य क्या है। सबसे पहला सत्य समझना है कि हम जिस देह को स्वयं समझ बैठे हैं कि मैं हूं, यही सबसे बड़ा झूठ है। जो देखने में शरीर आ रहा है ये एक जन्म के लिए है। इस शरीर को धारण करने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र और कर्म का फल भोगने के लिए परतंत्र है। हर आत्मा एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री बनती है। ज्यादा से ज्यादा किसी कारण से कोई आत्मा लगातार 3 जन्म तक मेल या फीमेल किसी कारण से, कार्मिक अकाउंट के कारण से बन सकते हैं। अदरवाइज हर जन्म में मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बनना है। जितना जिस आत्मा ने जिसे सुख दिया है वो सुख उससे लेना है। जितना जिस आत्मा ने जिसे दुख दिया है वो दुख भी उस आत्मा से लेना है। अब पुरुष बन के किसी पुरुष ने किसी स्त्री को बहुत सुख दिए हैं, उसने वो लेने हैं। किसी स्त्री ने किसी पुरुष को किसी आत्मा को सुख दिए हैं वो लेने हैं, उतना ही लेने हैं जितना दिया है। फालतू भी नहीं लेंगे, काम भी नहीं लेंगे।
दूसरा फार्मूला, दुख दिया है तो दुख भी लेंगे, जितना दिया है उतना लेंगे, ना जरा कम लेंगे ना जरा ज्यादा लेंगे। क्योंकि घर जाने से पहले, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने से पहले, हर आत्मा को अपना अकाउंट बराबर करके ही घर जाना है, चाहे कितने जन्म क्यों ना लगे। जो दिया है वो लेना है, चाहे दुख चाहे सुख। अब किसी ने यदि पत्नी बन के सुख दिया है, सेवा दी है, सहयोग दिया है, जरूरी नहीं कि वो पति बने और ले, या पति बन के दिया है, जरूरी नहीं कि वो पत्नी बनकर ले या दे। वो दोस्त भी बन सकता है, माँ भी बन सकता है, बाप भी बन सकता है, भाई भी बन सकता है। सहयोग देना है और सहयोग लेना है। अब इसमें आप में से प्रश्न में सुन रहा हूं कि विकारों का क्या होगा, विकार चाहे काम विकार हो, चाहे क्रोध विकार हो, चाहे लोभ विकार हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे बदले की भावना हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, चाहे निराशा हो, उनके द्वारा दुख मिलता है। जिसे आपने संतों की वाणी में भी सुना, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ कोत। ये संसार के जितने भी सुख हैं, इनको झूठा सुख। क्यों? क्योंकि आत्मा सत्य है, ये देह असत्य है, झूठी है। इसलिए इसको कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। क्योंकि ये बना है, ये नष्ट हो जाता, परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा, ये शरीर रहे या ना रहे, आत्मा तो रहती है। आत्मा के लिए कहा जाता है चल बसे, यहां से चली और दूसरी जगह बस गई। आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती है, दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, तीसरा धारण करती है, चौथा धारण करती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। तो शरीर विनाशी है। ये सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है। इन देह के कारण, विकारों के कारण हमेशा दुख ही प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता। चाहे कोई भी विकार हो, उसके कारण आत्म शक्ति का अभाव होता है, क्षय होता है, और देह की शक्ति का भी
क्षय होता है। इसीलिए उसको विकार कहा है, इसलिए उसको झूठे सुख कहा है। कोई भी विकार ले ले, हमारी शक्ति क्षय होती है। जब हमने शक्ति क्षय की है, अपने आप को कमजोर बनाया, दूसरे को भी कमजोर बनाया, तो वो सुख तो नहीं दिया, दुख दिया। तो वो दुख लेना व देना बराबर करना ही हो। वो कैसे भी करे, किस संबंध से करे, वो अकाउंट तो बराबर करना ही करना होगा। क्योंकि जो हमने दिया है वो हमको लेना है। इसलिए जाने से पहले अकाउंट बराबर करने का कारण, मुक्ति हर एक आत्मा को मिलने के कारण और वर्ल्ड ड्रामा की एक बात नोट रखने वाली है कि जो एक्शन एक कल्प में एक बार होता है, वो कभी उस कल्प में वैसे का वैसा रिपीट नहीं हो सकता। परिवर्तन के साथ रिपीट होगा। समय, स्थान, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हो ही नहीं सकता। इसलिए जो एक कल्प में एक बार पति या पत्नी बने हैं, वो पूरे कल्प में, कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का एक चक्र है। जैसे सप्ताह का चक्र होता है, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चलता रहता है ना, ठीक इसी प्रकार चारों युगों का चक्र है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर क्या शुरू होगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर। हर एक काल हूबहू रिपीट होता है। जो इस कल्प पति है वो हर कल्प उस समय पति बनेगा। जो रोल अब है ठीक इसी समय हर कल्प में वही रोल होगा, परंतु उस कल्प में दोबारा नहीं हो सकता। ये इस ड्रामा की सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझना। कोई जो भी करे, जैसे भी कर्म करे, उन कर्मों को वापस करने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए वो संबंध संपर्क में आएगा, अकाउंट बराबर करेगा। परंतु वो संबंध उस कल्प में रिपीट नहीं होगा। कोई इस जन्म में पति या पत्नी है, अगले जन्म में भी पत्नी या पति बन सकते हैं, या विपरीत भी बन सकते हैं, या किसी और संबंध संपर्क में भी अपना अकाउंट बराबर करने के लिए आ सकते हैं।
वो रोल है, परंतु कोई भी लगातार सदा या 7 जन्म एक ही संबंध में रहे ऐसा कपड़ों की बात मैं नहीं कर सकता। कोई कितने भी कपड़े सुना सकता है, परंतु वर्ल्ड के जितने भी रीबर्थ के सर्टिफाइड केसेस हैं, किसी केस में ये नहीं मिला कि मैं इस जन्म में भी पति या पत्नी हूँ और अगले जन्म में भी पति या पत्नी हूँ या और अगले जन्म में पति या पत्नी। रेयर कोई लिंग वाइज उसी लिंग में रहे, मेल मेल या फीमेल फीमेल रहे, उसके 3 जन्म तक के मैक्सिमम 3 जन्म तक के केसेस परमात्मा ने भी यही कहा है। तो अब हमें वो करना है जो हम चाहते हैं। इस संसार से मुक्ति तो मिलेगी, परंतु मुक्ति कब मिलेगी? जब अकाउंट बराबर होगा। जिसे जो दिया है वो ले लेंगे। तो हर जन्म हर समय एक ही बात याद रखें, इस संसार से मुक्ति तभी मिलेगी जब अकाउंट बराबर होगा। आपको दे रहा हूं विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपका कोई प्रश्न है तो मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। आप आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका आंसर आपको दुनिया में किसी पुस्तक में ना मिल रहा हो, उसे जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर आप